सेकंड व्लॉग। सो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमें लास्ट मिनट में कैसा होटल मिला। सो जज मत करना यार कि लास्ट मिनट था तो हमें ये होटल लेना पड़ा, ये रूम लेना पड़ा। सो चलो मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना। ये है एंट्रेंस, सो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और ये सामने वॉशरूम, वॉशरूम हम बाद में कवर करेंगे। सो ये है मेरा रूम। जी हाँ, मैं सिंगल हूँ बट ठीक है, ये है मेरा रूम। लास्ट मिनट में यही रूम अवेलेबल था यहाँ पे। सो होटल कार्तिके में रुके हुए हैं हम। सो ये है रूम, मिनी फ्रिज जो कि आई एम श्योर कि खाली होगा। जी हाँ खाली है ये। सिटिंग वहाँ पे भी दो सिटिंग है और टेबल और मिरर, मिरर में मैं और ये लाइटिंग। लाइटिंग यार इतनी कम क्यों रखते हैं कपल उसमें, यार अपना शक्ल ही नहीं दिख रहा बताओ। ये है रूम, बेड जिसमें मैं आज अकेले सोऊंगा। सो और चलिए यहाँ से हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। सो वॉशरूम कुछ खास नहीं है, नॉर्मल वॉशरूम जैसा हर होटल में होता है। वॉश बेसिन है जो कि, और मिरर साफ नहीं है, वॉश बेसिन पानी आ रहा है, सोप रखा हुआ है एंड देन जस्ट कॉमन सा गीज़र है, तो बस यही एग्जॉस्ट लगा हुआ है। सो हाँ यही है। बट जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा ना यार इसका, वो है बेड। लाइक मतलब ये एक सार्काज़म किया है इन लोगों ने मेरे साथ कि इतना अच्छा बेड सिंगल आदमी के लिए। सो चलो ठीक है, अब मिलते हैं आपको, कंटिन्यू करते हैं अपने जब हम चलेंगे घूमने, आपको घूमने ले चलेंगे। ठीक है मिलते हैं आप। अच्छा है सर, पैटीज काफ़ी खा सकते हो आप, आओ तो ट्राई ज़रूर करना। ठीक है खा सकते हो। हे गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट और ये रहा फोर्ट का गेट और हिल पे है ये भी फोर्ट। पहले डेस्टिनेशन है हमारी और अंदर टिकट्स भी हैं। ये रहा गेट और अंदर चलते हैं, देखते हैं टिकटिंग कैसी है, क्या प्राइस है उनका। सो लेट्स गो।
तो गाइज़ ये रही टिकट की प्राइसेस। अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो आप 50 रुपीज़, स्टूडेंट हो 20, और अगर आप ओवरसीज़ टूरिस्ट हो तो 200, और ओवरसीज़ स्टूडेंट हो तो 100। और गाइज़ अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना आई कार्ड कैरी करना मत भूलना, बिकॉज ऐसे प्राइस कम हो जाती है। ये वाला जो वैक्सीन जो है पीछे ये है हॉल ऑफ आइकॉन। अब हॉल ऑफ आइकॉन जैसे वैक्सीन आई एम श्योर आपने देखे होंगे। पीछे बने हुए फ्रिज सेंटर में बना हुआ है, ऐसे करके 9 है। जैसे सामने वाला पैलेंस देख रहे हो, ये 7वां पैलेंस है। इसमें 2 पैलेंस हो रहे हैं, एक इस कोने में एक इस कोने में। इसका गेट अंदर से ये है, ऐसे करके 9 है। 9 के 18 पैलेंस है। ये एक रानी का डबल अपार्टमेंट जो ऊपर गर्मी का है, नीचे सर्दी का है। ऐसे 9 रूम ये सर्दी के दिए, 9 रूमों पर गर्मी के हैं। जैसे इन्होंने हर गेट के नाम लिया है, चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, विशाल प्रकाश, ललित प्रकाश, जवान। हाँ तो गाइस, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अब वापस जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर रुकेंगे तो दूसरे जगह कवर करने में लेट हो जाएगा। सो हम अब बाहर जा रहे हैं। एक प्रो टिप देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग नाहरगढ़ फोर्ट में आते हैं तो बाहर से गाइड मत करना फोर्ट, क्योंकि बाहर वाले गाइड वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, और अंदर के जो गाइड हैं वो आपसे हाफ ही पैसे लेंगे वो आपसे। सो ये एक प्रो टिप है कि आप अंदर से गाइड कर लेना, क्योंकि वो फ़ोटोज़ वगैरह और आपको प्लेसेस ऐसी दिखा देंगे अंदर जो आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। सो वो 50 रुपीज़ लेगा और आप वो कर लेना। तो गाइज अब हम लोग पहुँच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। भैया ने बताया है ना कि यहाँ पे एक कैनन है, बहुत ही बड़ा कैनन है। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। और यहाँ पे भी टिकटिंग सिस्टम है एज यू कैन सी। तो चलते हैं। और खुद के नाम पे नाम दिया, जैसे 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 70-20 मेरी वीडियो अलाउ नहीं। जैसे आपने पिंक सिटी का नाम सुना, तो अगर आप जयपुर के जयगढ़ किले में आते हैं तो वहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। देखो, सो जयपुर इज़ नॉट ऑल अबाउट डेजर्ट एंड सनलाइट, बट इट आल्सो अबाउट सम अमेजिंग व्यूज़ लाइक दिस। सो जयगढ़ के किले के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जो कि ये है। और ये इस तोप को बनवाया था राजा जयसिंह ने। और ये जिस जयगढ़ जो किला है, यह बेसिकली जो यहाँ के सैनिक हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके रहने के लिए बनाया गया था, और वो यहीं पहरा देते थे और यहीं रहते थे। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और ये रही वो तोप, इसकी रेंज 35 किलोमीटर है। सो चलो अब आगे एक्सप्लोर करते हैं और ये है जयगढ़ किले की आर्मरी। यहाँ पे वेपन्स रखे गए हैं जो उस टाइम की वॉर में यूज़ होते थे। ये देखो, ये भी है, ये प्रॉपर आर्मरी है वेपन्स। ये देखो, काफ़ी अच्छा किला है ये। ये गन्स,
तो ये प्रॉपर पूरी आर्मरी है, इसमें वेपन्स ही रखे गए हैं। सो ये और इन सब के नीचे इनका नाम भी लिखा गया है, अगर आप आते हो तो ये सब पढ़ भी सकते हो। जयगढ़, और इनकी कोई अलग चार्ज नहीं है, ये आपकी एंट्री प्राइस में ही इंक्लूडेड है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बड़ी तोप दिखाई थी, ये उसका गोला है, ये गोला उसमें डलता था, देखिए जयवान तोप उस तोप का नाम था, और ये है उसका गोला, ये देखिए। गाइज़ हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट, जो भी हिल के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पहुंचने के लिए खैर हम तो कैब से ही आए हैं, बट व्हेन यू वांट टू रीच हियर तो यू हैव टू ईदर यू कैन वॉक टूवर्ड्स द फोर्ट और यू कैन जस्ट हायर अ जीप, लाइक इन 550 रुपीज़ विल बी ऑन द आमेर फोर्ट। So these are the small vendors. So moving towards the entrance. देखते हैं टिकट कहाँ की है। So let's go. तब तक के लिए bye bye. तो हम ये आमेर फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो आपको एंट्री लेने के बाद कुछ ऐसा व्यू दिखता है, और ये आप में से कितने लोग इस जगह को पहचानते हैं? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी है तो उसमें जो ऋतिक रोशन का सीन शूट हो रखा है, जिसमें उनको बैठ के खाते हुए दिखाया है, वो यहीं पे शूट किया गया था। और ये देखो, वो जो आपको वॉल वहाँ पे दिख रही होगी, वो जस्ट लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे बड़ी है, ये थर्ड सबसे बड़ी वॉल है जो सामने आपको दिख रही है। कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से, और चलते हैं हम आगे एक्सप्लोर करते हैं और कि यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए है। चलिए, हमने गाइड भी कराया, बट वो कहते हैं कि हम उनको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो मेरे को उनसे जितनी जानकारी मिलेगी मैं आप लोग को देता रहूँगा। चलिए ठीक है। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं आमेर फोर्ट के अंदर, ये एक शीश महल है, तो वहाँ पर आ गए हम लोग। एंड हियर आर थ्री रूम्स, एक दूसरे से तीन लगे हुए हैं, टू रूम्स आर फॉर नो क्वींस एंड द मिडल वन इज़ फॉर द किंग। सो एंड द आर्किटेक्चर इज़ सुपर्ब, एक्सटेंसिवली फैंटास्टिक। सो या एंजॉय द व्यू। सो गाइस अब आप ये देख सकते हैं, ये है गार्डन। सो यहाँ पे उनकी राजाओं की रानियाँ घूमा करती थी, और जो मूवी आपने देखी है जोधा अकबर, उसमें जो गाना है कहने को जश्न बहारा है, वो भी यहीं पे शूट किया गया है। तो आप देख सकते हैं आमेर फोर्ट में ही शूट किया गया था वो गाना, और इसी गार्डन में शूट किया गया था। सो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो गाइस ये आमेर किला के अंदर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे जो जोधा अकबर मूवी है उसकी तलवारबाजी का जो सीन है वो यहीं पर ही शूट हुआ था। सो हैव अ लुक। सो गाइस इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दिस अमेजिंग प्लेस कॉल्ड आमेर फोर्ट विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग प्लेड बाय भैया।
ज़्यादा देर नहीं बजाएगा, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलो लेट्स से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, होप विल मीट अगेन।